भारत सरकार के द्वारा भी कराटे के खेल को बढ़ावा देते हुए स्टेट्स नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन का ऑर्गेनाइजेशन द्वारा छत्तीसगढ़ में स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2023 का 3 दिवसीय आयोजन रायपुर के मठ पुरैना स्थित स्वर्गीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में करवाया गया, जिसमें बिलासपुर जिले के मार्शल आर्ट की टीम ने पिछले माह 40 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय कराटे स्टेट्स में खेलने के लिए हुआ था। उसमें से 19 खिलाड़ियों ने, जिसमें लड़कियां और लड़कों ने, कांटा और फाइट में गोल्ड मेडल जीतकर अपने नगर और पूरे बिलासपुर जिले का नाम राज्य में रोशन कर दिया है। बिलासपुर मार्शल आर्ट के कोच DR साहू ने बताया कि जितने भी खिलाड़ी राज्य में गोल्ड मेडल जीते हैं, उनका सिलेक्शन अगले माह दिल्ली में होने वाले नेशनल चैंपियनशिप में हो गया है और वो सभी दिल्ली जाकर छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सभी खिलाड़ियों की जीत होगी और पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का परचम लहरा जाएगा। मैं हमारे कराटे एवं ताइक्वांडो खिलाड़ियों की सभी तरफ से मैं चाहूंगा कि हमारे राज के अतिथि के तौर पर से जाएं। जतिन, सभी चालियों से चालों की जोड़ना और पुनः सभी खिलाड़ियों को मेरी बधाई, मेरे मेडल जीता और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग इसी प्रकार से उच्च स्तर अपने खेलों में प्राप्त करें और अपना देश का, अपने राज्य का नाम रोशन करें, अपने संगठन का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बिलासपुर से आए हैं, मार्शल आर्ट एकेडमी से, और हमारे साथ कुल 40 बच्चे हैं, कोच मैनेजर और रेफर सईद। इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे टीम ने कुल 19 गोल्ड और 13 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज लगाया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इतना ट्रॉफी मेडल जीतने? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बच्चे लोग भी बहुत खुश हैं। साथ में उन्होंने अपने पूरे परिवार और मार्शल आर्ट एकेडमी को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करवाया है और ये हमारे सर हैं जिनकी मेहनत के कारण ये सब संभव हो पाया है। तो क्या कहना चाहेंगे अपने कोच मैनेजर को आप लोग? हम लोग उनका धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि उनकी मेहनत के कारण ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इतना मेडल प्राप्त किया है। कुल हमने 50 मेडल प्राप्त किया है और उनकी कड़ी मेहनत के कारण, और इसके बाद हम दिल्ली नेशनल के लिए जा रहे हैं। सही किया, प्राप्त हुआ है गोल्ड मेडल। किसमें? सर फाइट में। क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था और हम लोगों का बहुत अच्छे से उसका रिजल्ट भी मिला है। यस सर। आप जाएंगे नेशनल खेलने? मैं जाऊंगा। वहां से भी गोल्ड जीत खिलाएंगे? हाँ। अपने शहर के लिए। हाँ। बेटा आपका? मेरा नाम साहू है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग बिलासपुर से। कैसा लग रहा है ट्रॉफी जीत कर, मेडल जीत कर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे अपने पूरी टीम को? अपने टीम को बहुत धन्यवाद देती हूँ, इस लेवल तक मेरे सर ने पहुँचाया। अपने मम्मी पापा को क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू, जिसने आपको कराटे करने के लिए भेजा। बेटा परमेश्वरी लोहार। कैसा लग रहा है ट्रॉफी मेडल जीत के आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं सब कोई, जितने भी हैं सब कोई अपने अपने घर में कराटे अकेडमी खोले और सबको ट्रॉफी, अपना अपना हक, सब कोई अपना अपना करे। जितने भी पेरेंट्स हैं सभी अपनी बेटियों को आत्मरक्षा का गुण से कहें कराटे क्लास भेजे ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सके। जैसे आज लोगों ने मेडल जीत कर आज माँ बाप का नाम रोशन किए हैं, वो भी बेटियां अपने माँ बाप को नाम रोशन करें, ऐसा कहना। बहुत बढ़िया।